नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे नए व्लॉग में। और आप सभी को मेरी ओर से होली की ढेर सारी शुभकामनाएं। जैसा कि आज आप सभी को पता है कि होलिका दहन है आज। अभी मैं थोड़ा गुजिया बना रही हूँ, उसके बाद शाम को आपको दिखाऊंगी यहाँ होलिका दहन कैसे मनाया जाता है। तो मिलती हूँ आपसे थोड़ी देर में। तो ये देखिए फ्रेंड्स, मेरी गुजिया का सामान जो है मसाला तैयार हो गया है, जो कि मैंने पहले ही तैयार करके रखा था। और ये देखिए आटा भी थोड़ा मैंने सॉफ्ट होने के लिए रखा है। उसके बाद मैं अभी 10 मिनट बाद गुजिया बनाना शुरू कर दूंगी। जैसा कि फ्रेंड्स आप सभी को पता है कि होलिका दहन क्यों किया जाता है। होलिका दहन के पीछे एक बहुत अच्छी और प्रेरित कहानी है। प्राचीन काल में हिरण्यकश्यप नाम का जो राजा था वो बहुत अहंकारी अत्याचारी था। उसने अपने जो तप से, अपनी तपस्या से, ये देखिए मसाला चोर आ गए यहाँ पर। तो हिरण्यकश्यप ने अपनी तपस्या से, अपने तप से भगवान ब्रह्मा को प्रसन्न करके उनसे यह वरदान ले लिया कि वह न जल में मरेगा, न थल में मरेगा, न नभ में मरेगा, और ना ही पानी से मरेगा, ना ही अग्नि से मरेगा, ना ही उसे कोई अस्त्र मार सकता है, ना ही शस्त्र मार सकता है, ना ही उसे कोई जीव जंतु मार सकता है, ना ही कोई उसे मनुष्य मार सकता है, और ना ही वह दिन में मरेगा, ना ही रात में कोई उसे मार सकता है। तो ऐसा वरदान जब उसे ब्रह्मा ने दे दिया तो उसके बाद उसके अत्याचार और बढ़ गए और उसके अंदर एक अहंकार आ गया कि मैं ही भगवान हूँ, मैं अमर हो गया हूँ। तो अपने आप को वह भगवान मानने लगा और लोगों से कहने लगा कि मेरी पूजा की जाए, भगवान विष्णु की तरह मेरे को भी पूजा जाए। तो उसका जो बेटा था प्रहलाद, उसने अपने पिता को भगवान मानने से जो है इनकार कर दिया। वह भगवान विष्णु का बहुत बड़ा भक्त था, तो उसकी भक्ति को देखकर उसको मारने के कई प्रयास हिरण्यकश्यप ने किए। प्रहलाद को मारने के लिए कई बार उसको खाई से गिरा के, घोड़ों के नीचे, हाथियों के नीचे, और कई प्रकार से उसको मारने की कोशिश की, लेकिन वह सब असफल रहा। तो उसकी बहन, हिरण्यकश्यप की जो बहन थी होलिका, उसने और हिरण्यकश्यप ने एक योजना बनाई कि हम एक चिता तैयार करेंगे और उसमें मैं अपनी गोद में प्रहलाद को लेकर बैठूंगी और अग्नि जला देना। तो जो होलिका थी उसके पास एक ऐसा वस्त्र था जिसे ओढ़कर वह अगर बैठ जाए तो उसे अग्नि नहीं जला सकती। तो होलिका ने यही एक योजना बनाई और चिता तैयार की गई और उसमें वह बैठ गई। तो उसके बाद प्रहलाद को उसकी गोदी में बिठा दिया गया। प्रहलाद को बिठाने के बाद अग्नि जो है जला दी गई चिता की। अग्नि जलाने के बाद जैसे ही अग्नि जली तो जो होलिका की जो चादर थी, जो वस्त्र था, वो उड़कर जो है प्रहलाद के ऊपर आ गया। वह भगवान विष्णु का ही एक आशीर्वाद था कि जो होलिका का वस्त्र था वो उसके ऊपर से उड़ के और प्रहलाद के ऊपर आ गया। तो होलिका तो जल गई और प्रहलाद सुरक्षित अग्नि से बाहर आ गया। तो उसी दिन से जो है हम लोग होलिका दहन करते हैं और अगले दिन मिठाइयों से, रंगों से इस त्यौहार को मनाते हैं। होलिका दहन बुराई पर अच्छाई की जीत का एक प्रतीक है और मैं भी आपसे यही कहूँगी कि होलिका दहन के साथ साथ आप भी अपने मन के द्वेष, अपने मन के क्लेश और अपने मन की बुराइयों को सभी को जलाकर भस्म कर दीजिए और हंसी खुशी मिलजुल कर प्यार प्रेम से इस त्यौहार को मनाइए। तो दोस्तों आप सभी को मेरी ओर से होली की ढेर सारी शुभकामनाएं। तो फ्रेंड्स, हमारे यहाँ भी मोहल्ले में होलिका दहन की तैयारियाँ चल रही हैं अच्छे से, और मैं शाम को आपको वो व्यू दिखाऊंगी कि होलिका दहन, होलिका पूजन कैसे किया जाता है और होलिका दहन कैसे होता है। तो मिलती हूँ आपसे अब शाम को। फिलहाल मैं अपनी गुजिया बना लेती हूँ, थोड़ा तल लेती हूँ और उसके बाद आपको शाम का व्यू भी दिखाऊंगी। तो फ्रेंड्स, मेरी गुजिया देखिए
गर्मा गर्म बन रही है। सुनहरी सुनहरी कुरकुरी सी गुजिया तैयार है। तो फ्रेंड जैसा कि मैंने पहले बताया, मेरी बड़ी बेटी आ नहीं पाई, अभी छुट्टी नहीं मिली है उन लोगों को, तो अभी मैं इसलिए थोड़ा सा ही बना रही हूँ शगुन के लिए। फिर मेरी बेटी आएगी तब उसके साथ फिर बनाऊँगी उसके लिए। और गर्मा गर्म देखिए गुजिया तैयार है, आप लोग भी आइए खाने के लिए। और देखिए होली के गानों के साथ साथ ये होली का सामान भी बनते जा रहा है। तो फ्रेंड्स बस मेरी यही सबके लिए कामना है कि सभी लोग खुश रहें और स्वस्थ रहें, त्यौहार अच्छे से मनाएं। दोस्तों आप सभी का धन्यवाद भी मैं करना चाहूँगी पूरी YouTube फैमिली का कि आप सभी मिलकर मुझे इतना सपोर्ट कर रहे हैं और मेरे वीडियोस जो है उन्हें देखकर और मुझे कमेंट भी करते हैं, बताते भी हैं कि अच्छा लगा या फिर कहीं कोई कमी रह गई है। ये सब भी आपके सपोर्ट के बिना ये सब अधूरा है, इसलिए आपके सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो फ्रेंड्स आप सभी से मेरी ये रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ मेरी वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करवाइएगा, और ताकि मैं ऐसे ही नए नए वीडियोस आपके लिए बनाती रहूं अपनी खुशियों के, त्यौहार के, सुख दुख के सारी जो खुशियां हैं आपके साथ बांट सकें। तो इन्हीं शुभकामनाओं से ये देखिए फ्रेंड्स गुजिया भी तैयार हैं खाने के लिए, कुरकुरी करारी मीठी मीठी गुजिया। आप सब भी आइए, पूजा आजा बेटा, ऋषि तुम भी आ जाओ गुजिया खाने। होलिका दहन हो गया है, बस आप पकड़ लेगा। ये देखिए यहीं डाल दो इसको भी हो जाएगा। इधर से द्रबो है ना, पत्ते हैं ना, इधर आके लग गए।
ये कुछ ज्यादा ही खतरनाक नहीं है, ये तो छोटी सी होली है, बड़ी बड़ी होली है। गर्म बहुत हो रहा है, गर्म बहुत हो रहा है, गर्म लग रहा है। फोटो ये है ना, पहले में ये भी है और कौन वही तो मैं कह रही हूँ, कमर सेको, अपनी अपनी सारी बीमारियाँ दूर हो जाएंगी सदमी से। ये तो बड़े साफ साफ लग रहे हो यार, ये बहुत साफ साफ लग रहे हैं। ले लिया पीछे हैप्पी होली, हैप्पी होली, हैप्पी होली। पूरी YouTube फैमिली को मेरी ओर से, मेरे परिवार की ओर से होली की ढेर सारी शुभकामनाएं। आप सभी को बहुत बहुत होली की शुभकामनाएं। द वुमन ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो। आंटी को भी हमारा क्या नाम है, स्वर जो से ब्लॉग तक पहुँचा दो। एक आध गाड़ी ले लेंगे आंटी, हमें भी घुमाएंगे उसमें। अच्छा गाड़ी ये ले, ये गिफ्ट मिल गया भाई। बहुत बहुत धन्यवाद भाई आपका, ये हमें कलर लगाने का यार। आंटी से लगाना, उसके हाथ तो साफ ही नहीं है। अरे सुनो मैडम, चल 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 चल। थैंक यू भाई, थैंक यू सब। हैप्पी बर्थडे भैया, बदला भी लेंगे अभी। हाँ रंग वाला कलर भी मूवी दिखा दे गौरी का भी। हाँ गौरी का भी, नहीं तुम फेमस हो।
जो करते हैं फिर ये पता करके बता देंगे भैया। अरे बेटा रात को नहाने का थोड़ी है अभी, अब तो नहाने बोल दे, कपड़ों में लगाएंगे अंदर। तो सभी अपने अपने घर को जाते हुए काला रंग लाओ ये रात को भी है भगवान ले हरा कर दिया उसको, हरा कर दिया आंटी। कल को मिलता है, कोई टेंशन नहीं, आप साफ रहो अभी, देखते रहो आज। तो सब चलो बाय, गुड नाइट। तेरी काली पे देखी सिटी ताली, बजूची पूरी थल की बाजारा, चलो बजूची पूरी थल की बाजारा। आज के लिए इतना ही, होलिका दहन हो गया है, अब मिलते हैं घर पे खाने के साथ। हाँ फिर बड़ी मैडम यहाँ पे बैठी है, अब मैं कह रही थी इतनी देर से कि आवाज आ रही है, पर बड़ी मैडम दिखाई नहीं दे रही है। तो खड़े होने में क्या हो रहा था? तो खड़े होने में क्या हो रहा था? हाय कू, जीते रहो, हैप्पी होली। नहीं नहीं, हाँ कू के मत लगाना, नहीं आप पे क्यों लगाएगा वो? जब आप कोई ना हम थे ना, इतनी बड़ी होली, वही तो करना था, फिर अच्छे से करना था। ये होती है 3 दिन पहले है, ये थे हम थे, दोनों लोग थे, 3 दिन पहले से इतनी बड़ी होली बना रखी थी हम लोगों ने ना। ना पता है मुझे, होता है ऐसा ही है। अरे